हमारी आरती बहुत लड़ाई हुई थी जब हम पहली बार मिले थे, वो बहुत ही बुरे मूड में थे। एक्चुअली हिंदी में एक बार डायलॉग याद कर लिए तब बहुत आसान होता है, लेकिन वो याद करने में थोड़ा तो टाइम जाता है। द फर्स्ट टाइम वी मेट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बस इनसे चिपक के रहूँगी एंड बस ये मेरी ट्रेनिंग है। आप बताओ, मुक्काबाज पे बहुत बातें हो रही हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म में सबसे खूंखार आप हैं। विनीत से भी ज्यादा जो पंच मारता है, जिमी शेरगिल से भी ज्यादा जो पंच मारने की वजह बनता है प्रकट तौर पे, रवि किशन से ज्यादा जो तमीज सिखाता है कि कैसे पंच मारो, पर आपके जो तमाचे दे धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, आंखों से पड़ रहे हैं, कभी कभी हाथों से पड़ रहे हैं, कभी कभी मैसेज से पड़ रहे हैं, क्या है? ब्रीफ था नहीं एक्चुअली, बस मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी और स्क्रिप्ट में एक्चुअली सब कुछ था। कैसे दी गई थी वो कहानी भी बता दीजिए, तीन रोज वाली। तो मैं अब्रिज्ड वर्जन सुनाऊं? नहीं, अपन ललन टॉप में कुछ भी बोल बोल नहीं बोलते। तो मुझे अनुराग से मिली थी मैंने, आपको तो पूरी कहानी पता है वैसे, मेरे दर्शकों को नहीं पता है। तो अनुराग ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, आपके मुझे ज्यादा यकीन नहीं लगेगी। और एक्चुअली मैंने एक छोटी स्क्रिप्ट लिखी थी लेकिन वो प्ले था और मैं उसे स्क्रीन के लिए अडैप्ट करना चाह रही थी, जिसका अभी डिनर पर भी जिक्र हो रहा था जी। कि वो अच्छा प्ले, अनुराग मुझे बता रहे थे वो उनको कितना पसंद आया और वो अगले साल उसमें एक्टिंग करेंगे, तो यही सब बता रहे। नहीं, अनुराग ने ये नहीं बोला था, अनुराग ने बोला था कि वो प्ले अच्छा है पर फिल्म के लिहाज से कहानी बुरी है, तो वो तो उनको लिखनी है और वो अभी भी हामी नहीं भर रहे। वो अभी भी ट्विटर पे है क्योंकि अभी तो आप लोगों ने कब देखी है, ट्विटर पे नहीं, हां इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सुडोकू, इन तीनों में से एक। तो आप अवनी की दोस्त हैं जी, अवनी अनुराग को जानती हैं जी, क्योंकि अनुराग रघु राय साहब पे जो फिल्म बन रही थी उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ऐसे आपकी सल्ली मुल्ली होगी, सल्ली मुल्ली हमारे बुंदेलखंड में दोस्ती को बोलते हैं। फिर आपने वो कहानी पढ़वा दी तो वो उनको एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ करो करो लिखो डेवलप करो, तो सभी को कहते तो बस वही मामला था। और हमारी ऐसी बहुत लड़ाई हुई थी जब हम पहली बार मिले थे, वो बहुत ही बुरे मूड में थे, मैं भी बहुत ही बुरे मूड में थी, तो हम बहुत लड़े। न्यू कमर अनुराग कश्यप से लड़ी, एक्चुअली मैं उस दिन वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं एक्चुअली उस दिन मेरे साथ हाउ डू आई एक्सप्लेन, मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन बताइए, जली हुई मिली थी। मेरे साथ एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली, और मैं इनको मिलना नहीं चाह रही थी उस दिन, तो अवनी ने मुझे बताया था और मैंने कहा कि आज नहीं प्लीज, एंड मैं कल अगले दिन एक्चुअली दिल्ली यहीं आ रही थी एक्चुअली, तो वो ही एक मौका था, मैं बहुत बुरे मूड में थी। तो तुम लड़ी? ये एक्चुअली अपने कुछ डाइट की बात कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, क्या होता, कर रहे थे, इट वाज सम फनी सम डाइट की बात, वो बहुत मेजर करके कुछ खा रहे थे, मैंने उसका थोड़ा मजाक, ये बीच बीच में इनको दौरे पड़ते हैं, तब ये स्विमिंग करते हैं, ये फैंटम्स निकलते हैं स्विमिंग करते हैं, और उसके बाद उतने दिन ये बड़ा चिकोलाइट खाना खाते हैं गिनती गिनके, हैं एक्चुअली, लेकिन वो काफी कंसिस्टेंट है उसके साथ, आई वुड से ना। हाँ नहीं, रजत ने भी बोला था कि इसकी टोन बहुत घट गई, तो ये पीसी में पहचान नहीं पाया था रजत। पर फिल्म कैसे मिली, अभी तो अवनी की फिल्म पे बात चल रही है। तो उन्होंने कहा, तो और फिर उन्होंने मेरी एक दूसरी फिल्म देखी, 3.5 Takes, तीनों राधा, और कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तो ऑफ कोर्स मैं तो ये प्रोड्यूसर थे, तो वो तो ऑब्वियसली सुर्खी में बहुत खुश हो गई, लेकिन आई मीन ये लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, पर अनुराग जल्दी पलती बंबई में कॉल नहीं भरता है किसी से कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। मैं इस टाइम उस टाइम नहीं जानती थी ये, अच्छा मैं उनको उस टाइम उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी, तो आई डोंट नो हाउ ही मेंट इट। फिर उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट भेजी तो मैंने उसे पढ़ी, उन्होंने ऐसे कहा था कि हाँ ये स्क्रिप्ट है होगी ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कैसे भेजते हो आप, मेल पे तो मुझे तभी 100% समझ नहीं आया कि मुझे ऐसे फीडबैक के लिए भेज रहे हैं या कास्ट करना चाहते हैं, आई डोंट नो। तो दो दिन बाद पहले अवनी ने आपको हड़काया, फिर अनुराग ने हड़काया जी, और फिर मुझे समझ आया वो तो बुरी है। ये अलग ही चीज है, इनको तो मतलब जितनी लड़ाई मेरी इनके साथ हुई मैं किसी के साथ नहीं कभी। हाँ ये मतलब जो फिल्म में आपने देखा जो मारती रहती है घुमाती रहती है, ये शब्दों सब शब्दों से भी तमाचा मारती है, ये चच्चू रुलाते हैं। हां एक्चुअली एवरीथिंग, आई एम वेरी बॉदर्ड बाय एवरीथिंग नाउ, आई कांट हेल्प इट। अब मैं क्या करूंगा, इनको हर चीज से दिक्कत है,
ये कि सफेद में काला क्यों है, मतलब उससे भी दिक्कत। एंड मैं छुपा नहीं पाती हूँ, आई कांट लाई अबाउट इट, तो वो दिखता है मेरे चेहरे पे। ये अपनी सारी तारीफें ऐसे ही कर ले जाती हैं क्या? नहीं, आई विश आई कुड। नहीं, ये अच्छी चीज है, पारदर्शी होना तो कमाल की चीज है। नहीं, काफी पारदर्शी है, मेरे को दिखाई भी नहीं देती है। जोया, आपके साथ कोई ऐसा सीन रहा जो? अजी, दो बहुत अच्छे सीन थे, दोनों बहुत ही इमोशनल सीन एक्चुअली थे। एक तो जब हमारी पहली बार वो लड़ाई जो होती है, हाँ, एंड द सेकंड वन वो थका हारा आ रहा है और कुछ अजी बहुत अच्छा सा, हमने काफी बार भी तो किया था वो। एंड एक्चुअली वो क्या हुआ था कि मुझे कहा गया था कि अच्छा आपके पास 10 मिनट में हम सीन करेंगे, तो बहुत इमोशनल सीन है, तो मैं गई और मैंने सीन, और आई थिंक 40 मिनट लगे होंगे, मैंने सीन के पहले पूरा रोना धोना सब हो गया था। And I started getting a really bad headache. मैं बहुत रोई थी actually. And my head started hurting really badly. And फिर then I started laughing. And मैं बहुत खुश हो गई फिर. और वो सीन हो नहीं रहा था मुझसे. तो हम करते गए करते गए करते गए. And after doing it a few times, then it became a different scene. और दूसरा scene? दूसरा scene था जब BHU में हम लोग. हाँ, BHU वाला scene जब. उसकी तो making में भी photo होगी. सर भी उस scene में रोने लग गए थे. वाजी बहुत अच्छा मोमेंट बन गया था। एंड यू नो समटाइम्स आप एक जो साइन लैंग्वेज है, आप सीन्स एवरीबॉडी वाज क्राइंग, फिल्मों में ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। वो इकलौती बार है जब ये सॉरी से आगे बढ़े। थिएटर में ये बहुत होता है, लेकिन आई मीन फिल्म शूट्स में ज्यादा नहीं होता है कि आपके साथ ऐसे कुछ मोमेंट्स हो जो यू नो फिल्म को भी बिल्कुल ट्रांसेंड कर देते हैं, दे स्टे विद यू। सो बहुत आई मीन वो फिल्म में ज्यादा है नहीं, लेकिन साल दो साल की मेहनत वो झलकने लगती है सामने एकदम कि यार, क्योंकि वो क्लाइमैक्स सीन था, लेकिन हमने आई थिंक एंड से थोड़ा पहले शूट किया था एंड वो बहुत इमोशनल था हम सबके लिए। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डायलॉग्स नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा है। यार हम लोग ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां हमें मेल करते हैं कि हम तो टुच-पुच कुछ भी नहीं, किनारे साइड चला रहे, उनको लगते हैं लोग फिल्म वालों से मिलते हैं तो शायद बता दें। और इसलिए ये सवाल बेहद जरूरी भी है कि आपकी तो थिएटर की बैकग्राउंड थी और आपके मम्मी पापा आजाद ख्याल हैं, वो बोर्डिंग में पढ़े, आप भी अच्छे स्कूल में पढ़ी, कैसे बनते हैं हीरोइन? मतलब ऐसे दो चार कपड़े लटका लिए, फिर वो फोटो शूट एक टब के साथ एक पानी से निकलते हुए? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये मिथ है कि हकीकत है कि ऐसे जाते हैं? हीरोइन बनना चाहती है, एक्टिंग करने आई थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती है तो कुछ होता नहीं, फिर तो ना लिखती बैठ के और ये सब करती। तुमने ऐसे नहीं किया कि यार तेरे पास 5D है, मेरी 5,000 से फोटो खोल की, नहीं। फिर CD बनती है, नहीं, मैं वो फिर कुर्सी के पीछे वो कास्टिंग डायरेक्टर बैठे होते हैं जो सबसे बाद में आपका चेहरा देखते हैं, बाकी शरीर सबसे पहले, ऐसा कुछ होता नहीं है? मैं मुझे नहीं होता ये सब, मैंने कभी किया ही नहीं। आपसे तो नहीं होता है, पर मुंबई में तो ऐसा होता है, बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। कैसे डील किया? बहुत सारी लड़कियां देख रही है तो वो से जानना चाहती है। ऐसे तो एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन मैं बहुत लोगों से मिली तो थी जिन्होंने मुझे काफी कुछ कहा था। एंड क्या कहा था? कि आपका चेहरा सर्जरी करा लो, और क्या क्या कहा था? माशाल्लाह तुम्हारी तो, मुझे काफी कुछ कहा गया था, शक्ल है, आंखें, और आपको बुरा भी तो लगता है, बिकॉज यू नो यू आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। फिल्म इंडस्ट्री एक तरह के चेहरे जाती है, अच्छी खासी शक्ल उनको थोड़ी ना समझ में आती है। कैटरीना कैफ चल रही, सब कैटरीना कैफ ही लगे। टाइप्स भी है ना, आप देखो ना, आप समझ में क्या क्या टाइप्स है। तो कैसे, आप तो झोला उठा के चली और मुंबई पहुंच गई, मुंबई फिर वो मकरन देशपांडे वाला वाक्या हुआ, वो बता दीजिए जरा पब्लिक को। मैं मकरन जी को पृथ्वी में मिली थी अगेन अवनी के थ्रू, अवनी भी वहीं बैठी रहती हैं, तो रोज रात को चुम्मी दे के सोया करो उसको, अवनी को ना। वो मैं वैसे ही करती हूँ। तो मैं उनको मिली थी एंड वो बहुत स्वीट है एक्चुअली, वो बहुत हेल्पफुल है, वो सबसे बातें करते हैं, वो यू नो अच्छी एडवाइस भी देते हैं। ऐसी रचिता को भी, जो इस फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर है, दिल्ली की ही है, जोया के बाद दूसरी दिल्ली वाली, मकरन देश पांडे से मुलाकात की कहानी। तो मैं उनको मिली और वो बहुत स्वीट थे, और उन्होंने ऐसे पूछा कि अच्छा थिएटर से ये वो किया है, तुम्हारा सबसे फेवरेट प्ले कौन सा है? तो मैंने बोल दिया कि मेरा फेवरेट प्ले ये है, फ्यू कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। फ्यू कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, ये एक लुइजी पिरंदेलो, एक इटालियन प्ले राइट है, एंड बहुत अब्सर्ड काइंड ऑफ प्ले है ये, एंड काफ़ी लंबा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तुम्हारा फेवरेट प्ले है, और मुझे बहुत ग्रिल किया उन्होंने,
एंड तो मैं सोचा कि मैंने कुछ गलत कह दिया, ये ऐसे क्यों इतने खड़ूस हो गए हैं, बहुत सीरियस हो गए थे वो. एंड बातचीत के बाद वो हंसने लगे और मैंने उनको पूछा फिर यू नो आप ऐसे क्यों हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये मेरा भी फेवरेट प्ले, तो मैं बस चेक कर रहा था कि तुमने एक्चुअली पढ़ा है ये प्ले. फट्टे तो नहीं मार रही लड़की ऐसी, लोग ऐसे भी बोलते हैं ऐसी. तो आप लोग, आपके लिए तो बड़ा इजी रहता होगा लंबे लंबे डायलॉग याद कर लेना और सब कुछ. थिएटर नहीं, नहीं, नहीं उतना आसान नहीं है मेरे लिए. हिंदी के डायलॉग्स आसान नहीं है कि ओवरऑल? एक्चुअली हिंदी में एक बार डायलॉग्स याद कर लिए तब बहुत आसान होता है, लेकिन वो याद करने में थोड़ा तो अभी थोड़ा तो टाइम जाता है. अच्छा, फिल्म में आपका जो किरदार है वो बोल नहीं सकते हैं और आप साइन लैंग्वेज सीखते हैं, पर आपने सीखी है जी, कैसे सीखी, कहाँ सीखी, कितना वक्त लगता है? काफी, मेरी जो टीचर है संगीता गाला, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी थी. संगीता गाला है जी, संगीता गाला जो सब ये खामोशी, ब्लैक, बर्फी सब पे ट्रेनिंग इन्हीं की है. एंड ये एक्चुअली बहुत ही लो प्रोफाइल हैं, तो उनको ढूंढने में बहुत टाइम गया और बहुत इजी भी नहीं था. तो कैसे मिली फिर? वो एक मेरे कोई फ्रेंड थे, वो साइलेंट नेशनल एंथम जो हुआ था उस पर असिस्टेंट डायरेक्टर थे और संगीता ने उस पर भी काम किया था, तो उन्होंने हमको कनेक्ट किया. क्योंकि मुझे ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप यहाँ दिल्ली आके स्कूल कोई जा सकते हो, या बॉम्बे में भी एक है मुंबई में, और फिर संगीता का ऑप्शन था. तो एक्चुअली जब मैं संगीता से मिली, वो खुद डेफ हैं, एंड आई थिंक जब द फर्स्ट टाइम वी मेट, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बस इनसे चिपक के रहूँगी एंड बस ये मेरी ट्रेनिंग है. और फिर मैंने सीख लिया. ये लोग बहुत खतरनाक चिपके, आज तक हम लोग अलग नहीं कर पाए इनको संगीता को, आज तक साथ में. फिल्म में भी उनके दो सीन है, शूटिंग में भी आई वो और शूटिंग के बाद भी, और आज तक साथ ही में आती है. यू फील मोर सेंसिटिव नाउ यू नो? डेफिनेटली. एक्चुअली संगीता बहुत एडवोकेसी वर्क भी करती हैं, वो लॉयर्स के लिए इंटरप्रेटर भी हैं, एंड मैंने भी क्योंकि बिकॉज आई लर्नड इट, आई ऑल्सो वुड इंटरप्रेट फॉर अ लॉट ऑफ, जैसे सिद्धिविनायक में ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे जो प्रोग्राम होता है, आई वॉज द इंटरप्रेटर फॉर दैट लास्ट ईयर, वो दिसंबर में हुआ था. तो शी यू नो वो बहुत ऐसे बच्चों से मिलती हैं जो 7, 8, 9, 10 साल के, एंड दे हैव बीन रेप्ड, दे हैव बीन मोलेस्टेड, एंड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो यू नो डेफ हैं, उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है बचपन से, एंड उनके माँ बाप उनको वो नहीं जानते कि वो बच्चों को कैसे सिखाएं समझाएं, कुछ नहीं, क्योंकि वो सुन सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन. And what, but you know, it does something to you. It really does change something in you.